हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राम प्रसाद की 13वीं मूवी के बारे में, जो कि रिलीज़ हो चुकी थी। लेकिन इसका रिव्यू मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे इस तरह की मूवीज़ फ़िलहाल नहीं देखनी थी। लेकिन मेरे दो सब्सक्राइबर, इनका नाम है टुहिन भट्टाचार्य और आई एम विकास, उनका नाम एक्चुअली विकास है मगर वो आई एम विकास लिखते हैं, तो ठीक है। इन दोनों भाइयों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और फाइनली मैंने ये मूवी चेकआउट कर ली। ये मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई है, मुंबई में तो हुई है, मैं मुंबई में रहता हूँ, बाकी आपके सिटी का, आपके स्टेट का नहीं पता मुझे। क्या ये मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं, वो सब कुछ मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बात करेंगे इस मूवी की, तो इसकी ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 55 मिनट की, और कहानी शुरू होती है नसीरुद्दीन शाह से, जिनका इस मूवी में नाम है राम प्रसाद, जहाँ पर इनके फैमिली वाले इनको बाऊजी कहते हैं। बाऊजी के 4 बेटे हैं, उनकी भौएं भी है, बाऊजी की बेटियाँ भी है, और बच्चों के बच्चे, यानी कि बहुत सारी बड़ी सी फैमिली है। लेकिन कोई भी बाऊजी के साथ नहीं रहता। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता जब बाऊजी की हो जाती है डेथ, और फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी राम प्रसाद की 13वीं। बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो ये एक सोशल मैसेज देती है मूवी, जहाँ पर आपको एक बड़ी सी फैमिली देखने को तो मिलेगी, जो आपको बाहर से ऐसा लगता है कि यार ये एक बहुत ही खुशहाल फैमिली होगी, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। लेकिन जब आप इस फैमिली के बीच में घुसोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग दिखने में तो एक साथ है मगर एक दूसरे से कितने ज़्यादा अलग है, कितने ज़्यादा इनके बीच में इनसिक्योरिटीज़ है, कैसे ये लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं आपस में, और कैसे ये लोग एक दूसरे से जी चुरा रहे हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप लोग इस मूवी को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और ये मूवी देखते वक्त आपको ऐसा होता है कि यार वाकई में हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोगों की फैमिली कुछ इसी तरह की है। इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हर एक कैरेक्टर से आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाते हो, ये सबसे अच्छी बात है इस पूरी मूवी की। मूवी में आपको सिचुएशनल कॉमेडी भी देखने को मिलेंगी, साथ साथ जो एक इमोशनल टच है इस पूरी मूवी का वो आपका दिल पूरी तरह से तोड़ देगा। यानी कि वाकई में रियलिटी में ये सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए इतनी सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे लिए अपने सपनों को भूल जाते हैं ताकि बच्चों लोग की सारी ज़रूरतें पूरी हो। लेकिन जब वक्त पेरेंट्स का आता है और जब बच्चों को संभालना पड़ता है, तो बच्चे उनको संभालते नहीं हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको मतलब एक अपने सीने का बोझ समझते हैं। तो वो इस मूवी में आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखने मिलेगा। साथ साथ लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ आज जो यंगर जनरेशन की जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स बहुत ही बड़े चूतिए हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल के जो मोस्टली पेरेंट्स हैं ना, वो मोबाइल में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में। अगर बच्चे उनको मम्मा मम्मा बोल भी रहे तो चल भोसड़ी के, हट, गेट लॉस्ट, जो आजकल के पेरेंट्स हैं। लेकिन हमारे वक्त के जो पेरेंट्स थे वो लोग वाकई में करते थे, अपने बच्चों से मोहब्बत करते थे। ये मूवी मुझे ऐसा लगता है कि मिक्स ऑडियंस को पसंद आएगी। हाँ, मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से उन्होंने हर एक सीन्स को शूट किया ना यार, बहुत ही काबिल तारीफ है। मतलब ऐसा लगता है कि आप वाकई में उस घर में उस वक्त मौजूद हो और अपनी आँखों से ये सारी चीज़ों को देख रहे हो, जो कि यार हैट्स ऑफ बोलूँगा सिनेमेटोग्राफी को। इस मूवी का BGM बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो इमोशनल जो इसमें टच दिया है ना, वो तो मतलब बहुत सारी जगहों पर आप फील कर पाओगे। और यार मैं तो वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता इस पूरी मूवी को, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल बंदा हूँ। जो इस तरीके की मूवीज़ देखता हूँ तो यार मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं है, और मैं महसूस कर पाता हूँ वो सारी चीज़ें। भले मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना, वो आँखों के सामने घूमती कि अगर रियलिटी में ये सारी चीज़ें हो रही होगी तो उस इंसान को क्या फील हो रहा होगा उस वक्त, जो जिसके साथ ऐसा बीत रहा है। तो मतलब वो मुझे अजीब फील होता है एक अंदर से। इस मूवी में एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और वाकई में कहना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक्टर्स देखने को मिलेंगे। एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर एक्टर्स की, आप लोग ये इमेजेस देख लो, ये एक से बढ़कर एक एक्टर है। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही रियलिस्टिक वे में प्ले किया, जो आपको देख कर मज़ा आ जाएगा। मूवी की नेगेटिविटी यही लगी मुझे कि ये मूवी हर ऑडियंस को पसंद आई ये ज़रूरी नहीं है। जो आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो इस तरीके की सोशल मैसेज वाली मूवीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, या वो लोग देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जो हमारे वक्त की ऑडियंस है या हमसे पहले की ऑडियंस है, वो लोग इस तरीके की मूवीज़ से काफ़ी हद तक रिलेट कर पाते, काफ़ी हद तक वो लोग एक इमोशनल टच महसूस कर पाते इस तरह की मूवीज़ से। हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं होगी, यानी कि पेरेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे, पेरेंट्स को आप इग्नोर नहीं करेंगे, निगलेक्ट नहीं करेंगे, या उनको अपने सीने का बोझ नहीं समझेंगे, तो मेकर्स लोग इस तरीके की मूवीज़ नहीं बनाएंगे। तो यानी कि हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें होती है, जब भी तो मेकर्स लोग बना रहे, तो अगर ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाएगी तो ऐसी मूवीज़ भी नहीं बनेगी। तो मैं तो बस इतना ही मैसेज देना चाहूँगा इस मूवी के थ्रू कि आपके पेरेंट्स को समझो,
उनको अहमियत दो, उन्होंने आपके लिए जो सेक्रीफाइस किया है उन सेक्रीफाइस को समझो। और पेरेंटल गाइडेंस में तो इतना ही बोलूंगा कि ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें कोई भी एडल्ट सीन नहीं है। हालांकि एक जगह पे एक थोड़ी सी एक मतलब माइनर सा है, लेकिन वो एडल्ट नहीं है, वो इस तरीके की सिचुएशंस भी होती है बहुत सारी जगहों पर, होती होगी यार, मैं यहाँ पर दावे से नहीं कहता हूँ। मूवीज़ में बताया तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर ही हुआ होगा, या तो फिर वो फिक्शनल होगा, मुझे इस पछड़े में नहीं पढ़ना है। खैर, मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 8 out of 10। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो जो मर्जी चाहे कर सकते हो यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, दिल दुआ में याद रखना, बाय।